नमस्कार और स्वागत दुपहर संबाद और यह मुहूर्त गुरुत्वपूर्ण खबर आरम्भ करिम बातरी हरियाणा बीजेपी आगे हरियाणा किसु समय पूर्वलैक जी पथ देखा गई आसे सम्पूर्ण उलोटा छवि यह मुहूर्त देखा गई है हरियाणा आगे बीजेपी हरियाणा मेजिक नम्बर इतिम्य बीजेपिये अतिक्रम कर हरियाणा बीजेपीतको पीस पड़ आस कॉग्रेस जम्मू काश्मीर आगे इंडिया आरो जम्मू काश्मीर सरकार गठन दिशे एतिया इंडिया एलायंस आगे और यह मुहूर्त प्रथम जनाम जे मेजिक नम्बर बीजेपिये स्पर्श कर हरियाणा आगे बीजेपी हरियाणा मेजिक नम्बर अतिक्रम कर बीजेपिये हरियाणा बीजेपीतको पीस पड़ आस कॉग्रेस जम्मू काश्मीर आगे इंडिया एलायंस और जम्मू काश्मीर सरकार गठन दिशे इंडिया एलायंस हरियाणा कॉग्रेस अग्रगति आसे प्रथम पोस्टल बेलेटेरे आरम्भ जो भोट गणना कि कॉग्रेस आठ आसन अग्रगति हरियाणा बीजेपी तीन आसन आगे हरियाणा सरकार गठन कर मेजिक नम्बर जी से छयचल्लिस नम्बर आसन आस छयचल्लिस मेजिक नम्बर और इतना बीजेपिये जी लीड बीजेपी बृहत् एक लीड इतिम्य मेजिक नम्बर स्पर्श कर आगे बीजेपी लीड आम जो मुहूर्त अपना स्क्रीन देखा सैया फर्टी नाइन बीजेपिये ऊनपचास जो आसलते प्रत्येक एक्जिट पोलर बेलेगर एन छवि आंतु छवि ऊपरा बीजेपिये मुहूर्त जी लीड लगा आसन संख्या हरियाणा ऊनपचास मेजिक नम्बर इतिम्य छयचल्लिस घर चुईसे बीजेपिये हरियाणा कॉग्रेस बृहत् अग्रगति आरम्भणी आरियाणा सरकार गठन दिशे एतिया बीजेपी आगे और सम्पूर्ण जी आन छवि आन छवि कथा जो कौ जम्मू काश्मीर छवि तक जीत भोट गणना पुआ आठ बजार लगे आरम्भ से भोट गणना और भोट गणना चलि भोट गणन इतिम्य हरियाणार समानको आम देखा जम्मू काश्मीर फलाफल जो कॉग्रेस और एन सी इतिम्य बृहत् लीड लो सरकार गठन दिशे आगे और जिलापी वितरण जिलापी वितरण दृश्य देखा गई है बीजेपी शिविर आनंद उल्लास एटवेश इतिम्य देखा गई है और सभी बीजेपिर जी आनंद उल्लास जीवेश देखाई इतिम्य जी आनंद उत्सव सरम्भ हो गई है बीजेपी केम्पत हरियाणा और जम्मू काश्मीर विधानसभा निर्वाचन भोट गणना अब्याहत आए इतिम्य हरियाणा बीजेपी दले अग्रगति लाभ कर कॉग्रेसको आगे पुवार भगत जेतिया बेलट पेपर गणनात कॉग्रेस दल आगे जद केबाटाओ राउंडर पीछे बीजेपी दले ऊर्धमुखी गति लाभ कर हरियाणा सरकार गठन दिशे बीजेपी दल आगे कब पारि जद बहुक राउंड बाकी अवश्य भोट गणना जी मेजिक नम्बर सैंत इतिम्य सूं पार कर लीड्सर क्षेत्र बीजेपिये हरियाणार शासन थका बीजेपी दले पुनर एबार विरोधी प्रत्याहान नियुचि सरकार गठन सम्भावना प्रकट कर सरकार गठन सम्भावना व्यक्त कर राजनैतिक विश्लेषक बीजेपिर जी जी क्या एक लेठारिये सरकार थकब पार ने नारू बीजेपी इतिम्य मेजिक नम्बर सुईसे हरियाणार आंचलिक दल आज जे जे पी और सी जे जे पिये दुष्यंत चौटालार जे जे पिये कि लाभ आसन सक्षम हुआ ना जो जो बेलिका दस आसन आबार कि हाथों एन आसन अह ना विपरीते आन एट दल आज आई एन एल डि आई एन एल डर हाथ और अन्न्य दले इतने मुठ छ आसन लाभ कर नब्बे आसन थका हरियाणा विधानसभा सरकार गठन हमें प्रयोजन हुआ जी मेजिक नम्बर सैया छयचल्लिस जी दले छयचल्लिस आसन स्पर्श कर सरकार गठन कर निश्चित हो लीड्सर क्षेत्र जो चुना जाए मुहूर्त आम लीड्सर क्षेत्र बीजेपिये आगे हरियाणा हरियाणा आगे बीजेपी और हरियाणा मेजिक नम्बर अतिक्रम कर इतिम्य बीजेपी हरियाणा बीजेपीतको पीस पड़ रही है कॉग्रेस जदिव आरम्भणीते छवि कॉग्रेस आगे कि पद परिवर्तन और इतिम्य बीजेपिये मेजिक नम्बर स्पर्श कर आनते जो जम्मू काश्मीर कथा कह इंडिया एलायंसर अग्रगति जम्मू काश्मीर सरकार गठन दिशे आगे इंडिया एलायंस हमने बड़ी ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश की सेवा की है। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं उसको मजबूत करने का काम किया गया है। अगर हम कामों की गिनती करें तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। ये हर व्यक्ति को इस बात के बारे में मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है।
हमने चाहे किसान की फसल का खराबा है उसका 100% मुआवजा उस तक देने का काम किया है। हमारी सरकार ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर लगी रही है, आगे भी हम ईमानदारी से हमारी सरकार मजबूती से काम करेगी और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मेरा मानना है कि कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हम ये कह सकते हैं कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सकारात्मक रुझान एक निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणित होंगे। उस प्रकार के दावे प्रतिदावों कोई मतलब नहीं है, कुछ समय की बात है, एक आध घंटे या कहें कि कुछ मिनट की बात है और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और व्यवस्था के साथ मनाया गया है। छम जैसे सेक्टर में 80% तक मतदान होना और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा जनता निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश देगी और भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपने सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। बराबर बराबर चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन अभी बीजेपी को आगे दिखा रहा है। और अभी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सवेरे ढोल ढमाका हो रहा था वो फिक्टिशियस था, क्योंकि उस वक्त तो अभी पोस्टल बैलेट की स्कैनिंग हो रही थी, लोगों को प्रोसेस ही नहीं पता, स्कैनिंग हो रही थी। स्कैनिंग होने के बाद उनकी गिनती हुई, पोस्टल बैलेट की गिनती होने के बाद अब ईवीएम खुली है, अब कहीं पर एक राउंड अभी पूरा हुआ है, कहीं पे दूसरा हो रहा है, कहीं पे तीसरा, तो अभी एक्चुअल अब नतीजे आने शुरू हो गए। आप देखते रहिए आस्ता आस्ता, जैसे जैसे नतीजे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत कुछ चेंज होगा। तो कांग्रेस वालों को भी बताओ ना कि बीजेपी आगे चल रही है, और वो इसीलिए तो नहीं नाचे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, बहुत सारे लोग चाहते थे, हो सकता वही नाच रहे हो। मैं तो कोई टेंशन लेता नहीं, मैंने अपना काम कर दिया, अब जनता की मर्जी है, जनता जो करेगी उसको मैं तो सिर माथे पर लेता हूँ। मेरे तो मैं एक बार चुनाव हारा था और कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था और मैं तो बाजार में बैठ के आनंद ले रहा था, चाय पी रहा था। आज जो भी सवाल था वो भाजपा के खिलाफ ही था, वो नौजवानों का सवाल था, वो महिलाओं का सवाल था, वो व्यापारियों का था, वो किसानों का था, वो सारे सवाल उन्हीं के खिलाफ थे। तो इसलिए उनके दावे और ये स्लोगन मारना अलग चीज़ है, मगर हम मान के चल रहे हैं कि अलायंस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी जम्मू कश्मीर में, और फिर उसके बाद शाम तक पता चलेगा कि क्या रुझान। मेरे ख्याल से अब रिजल्ट्स के बाद एक दूसरा मौका है सबके लिए कि जो समझते हैं कि हम लोगों के लिए, लोगों के काज के लिए फाइट करते हैं, उन्हीं के लिए सियासत करते हैं, तो लोगों का पहला कंसर्न है कि हमारे साथ जो नाइंसाफिया भाजपा सरकार ने की उसको इंसाफ में बदलना। हमें स्टेट वापस चाहिए, हमें ज़मीनों के हक़ वापस चाहिए, हमें रोज़गार वापस चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए, हमें बेरोज़गारी से निजात चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए लड़ने के लिए एक बड़ा और कॉमन प्लेटफार्म चाहे पहले नहीं बना, अब भी पॉसिबिलिटी है। मैं फारूक साहब की इस बात को तायद करता हूं और सब सीनियर लीडरों को जम्मू कश्मीर के हित के लिए
इस वक्त राजनीति करनी चाहिए, न कि कोई व्यक्तिगत ओहदे के लिए या पोस्ट के लिए या कोई कुर्सी के लिए। ये इस वक्त मुसीबत का टाइम है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो अगर लोगों ने नुमाइंदगी दी है, एक बार फिर भरोसा किया, तो इस भरोसे को सही रास्ते में इस्तेमाल करने की जरूरत है। आई सी इट एज दे आर कॉल्ड ट्रेंड्स, एग्जैक्ट वर्ड व्हिच यू यूज्ड, एंड दिस इज नॉट द सीट वन। I have been seeing elections for the last 10 years. 10:30, nobody decides on an election. You know it and I know it. It is by 12, 12:30, we come to know what exactly is the result. It's leading is not winning. Mark my words, Congress party will win with a majority in Haryana. I wouldn't call that doing good. What I'm seeing right now is that we have, as well as our alliance partner, Jammu and Kashmir National Conference has gone ahead, and I think BJP already knew it, and that's why the Lieutenant Governor nominated 5 people in the assembly yesterday. So they knew they were losing in Kashmir. আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ যদি আমি কথা কওঁ, 10 বছৰৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন। 90খন আসনযুক্ত জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি, আৰু আমি এই গোটেই ফিগাৰ্ছ, আমি সেয়া সংখ্যা টিভিৰ পৰ্দাত আমি কাষত দাঙি ধৰিছোঁ। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে অগ্ৰগতি লৈছে, বিজেপি দল পিছপৰি আছে জম্মু কাশ্মীৰত। এই পৰ্যন্ত মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰি ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আগবাঢ়ি আছে চৰকাৰ গঠনৰ দিশে। আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যদি আমি ভাঙি যদি আমি গোটেই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কথাখিনি কওঁ, তেনেহ'লে তাত NC নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ আটাইতকৈ বেছি আসন 40খন, কংগ্ৰেছে আটাইতকৈ, তাৰপিছতে কংগ্ৰেছ 10খন আসনত এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়ি আছে। জিত কি উম্মীদ হে বাকী আল্লাহ তালা তক হে ওর জো জম্মু কাশ্মীৰ কে ভোটাৰো নে ফয়সলা কিয়া হে। आज दोपहर तक सारा पता चल जाएगा। कितनी उम्मीद रखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी? एक ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज की हुकूमत को, जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा, हमारे हुकुमरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोलिशन पर कितनी कॉन्फिडेंस है, एक वजन है जो कोलिशन हुई है एनसी कांग्रेस में? अब कोलिशन तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले, और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जिस तरह से अभी रिजल्ट आ रहे हैं, इब्तदाई रुझान है, मुझे लगता है कि हमें तीसरे चौथे राउंड तक इंतजार करना पड़ेगा। और जहां हमारा अंदाजा है, भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चाहा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट किया, थोड़ा सा इंतजार करें। जिस तरह हरियाणा में हमने रिकवर कर दिया, और उसी तरह जम्मू कश्मीर भी हम रिकवर करके जम्मू कश्मीर की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेंगी, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी गवर्नमेंट बनाएगा।